Hello students, today we'll be starting the final chapter of chemistry for this session, and this is lesson number 4, and the name of the chapter is Structure of the Atom. The name is self-explanatory. Is chapter mein hum kya padhenge? Atom ka structure. Last chapter mein, lesson number 3, Atoms and Molecules mein humne atom ki baat kari thi aur humne usse related थ्योरी भी देखी थी, एटॉमिक थ्योरी जो जॉन डाल्टन ने प्रपोज करी थी, राइट. अब इस चैप्टर में जब हम स्ट्रक्चर ऑफ द एटम की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि एटम किन किन पार्टिकल से मिलके बना होता है, और तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. तो इस चैप्टर में हमें उनकी बात करनी है, यानी कि एटम जिन फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, राइट, जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और इनका दूसरा नाम है फंडामेंटल पार्टिकल. मतलब एक एटम को हम अगर अज्यूम करेंगे तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्टिकल्स होंगे, इसलिए हम उन्हें बोल रहे हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स. ये हमें पढ़ना है, और ये पार्टिकल कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो इस चैप्टर में हमें ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करनी है, ये हमारा पहला टॉपिक है. फिर इन पार्टिकल्स का एटम के अंदर किस तरह से अरेंजमेंट होता है, यानी ये पार्टिकल्स एक एटम के अंदर किस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है, और वो चीज़ें हमें बताती हैं उसका मॉडल, यानी कि हम जो पढ़ेंगे वो मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ेंगे, या मॉडल, मॉडल्स ऑफ एन एटम. हम उन मॉडल्स की डिटेलिंग करेंगे कि किसने प्रपोज किया था और किस तरह के मॉडल्स थे और उनका क्या ड्रॉबैक था. फिर जो हमें एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से एटम के अंदर जो शेल्स होती हैं उसमें रहता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करनी है. बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमारी इसी चीज़ पे बेस्ड होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स, किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को अलग अलग शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, हमें इसकी डिटेलिंग करनी है. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स, जिसे हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं. फिर हमें जो एक और टॉपिक पढ़ना है जो हमने एटम एंड मॉलिक्यूल में भी डिस्कस किया था, वो है वैलेंसी. इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हम उनकी वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे, तो हमें वैलेंसी का कंसेप्ट समझना है, और उसके बाद हर एटम के अंदर एक फिक्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं जो उसका एटॉमिक नंबर डिसाइड करते हैं. आपने एटॉमिक नंबर जो लर्न करे हैं अभी तक, इस चैप्टर में थोड़ा सा एटॉमिक नंबर की भी डिटेलिंग होगी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, और उसी के साथ हमारे पास आएगा एक और कंसेप्ट, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, जो हमने थोड़ा सा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में भी पढ़ा था. हमें यहाँ पे भी उसकी बात करनी है कि आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या हैं. तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में ये हमारे 6 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ना है. पहला हमने बात करी कि हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है. फिर उनका अरेंजमेंट एक एटम के अंदर कैसे होता है, यानी अगर हम एटम की इनसाइड पिक्चर की बात करें, मॉडल, यानी किस तरह से हम एक एटम को रिप्रेजेंट करेंगे, उसका मॉडल, तो हम मॉडल्स की बात करेंगे, अभी तक जो मॉडल्स प्रपोज हो चुके हैं. फिर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एटम के पास शेल्स होती हैं, तो कितनी शेल आएंगी एक एटम के पास और हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. फिर वैलेंसी का कैलकुलेशन, एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट, और आइसोटोप्स और आइसोबार्स, इनकी डिटेलिंग हमें करनी है. अब एटम की मीनिंग क्या है, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था कि एटम को हम क्या बोलते हैं. एटम ग्रीक वर्ड में इसकी मीनिंग है इनडिविजिबल, और इनडिविजिबल का मतलब क्या है, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, राइट. तो पहले यही माना जाता था कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. एटम जो है वो मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट है. आज भी हम बोलते हैं कि एटम मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन पहले ये भी कंसेप्ट था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, राइट. और इसके बारे में किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने. उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज करी थी, और उस थ्योरी का नाम क्या है? एटॉमिक थ्योरी. एटॉमिक थ्योरी,
एटॉमिक थ्योरी से हमारे पास ये कंसेप्ट आया था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, और इस थ्योरी को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है जॉन डाल्टन। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से है, और ये केमिस्ट्री में एक बहुत ही मेजर ब्रेक थ्रू था जब पहली थ्योरी आई, एक डॉक्यूमेंटेड थ्योरी आई जो एटम के बारे में बात कर रही थी। हम इसे कहते हैं कि लैंडमार्क है ये केमिस्ट्री की हिस्ट्री में, राइट। बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को, जैसे कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, राइट, उन सब के आंसर जो है वो एटॉमिक थ्योरी से मिले। बट स्टिल उस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थी, बहुत सारे क्वेश्चन की आंसर्स एटॉमिक थ्योरी नहीं दे पा रही थी, जैसे कि अगर हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो अलग अलग केमिकल एक्टिविटी क्यों शो करते हैं, एटम्स के अलग अलग मासेस क्यों होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसके आंसर्स थ्योरी के पास नहीं थे, राइट। उसके बाद जब डेवलपमेंट होता रहा साइंस में और एक्सपेरिमेंट्स होते रहे, प्रोग्रेस होती रही, तो हमारे पास एक और जो ब्रेक थ्रू आया वो आया माइकल फैराडे के साथ। आपने हो सकता हो नाम पढ़ा हो, सुना हो, और माइकल फैराडे के जितने एक्सपेरिमेंट थे, राइट, वो सारे के सारे बेस्ड थे इलेक्ट्रिसिटी पर। इलेक्ट्रिसिटी, इवन लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप कभी किसी क्लास में पढ़ेंगे तो आप उसके साथ माइकल फैराडे का नाम सुनेंगे, पढ़ेंगे कि फैराडे ने वो लॉज प्रपोज किए थे। तो फैराडे के जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं वो सब इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड हैं, और इन्होंने ही बताया कि मैटर और इलेक्ट्रिसिटी में क्या कनेक्शन है। यानी माइकल फैराडे ने रिलेट किया था, रिलेटेड मैटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। और फैराडे के एक्सपेरिमेंट के साथ ये चीज़ निकल के आई कि एटम जो है वो एक सिंपल इनडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, बल्कि वो क्या होता है, एटम इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। एटम जो है वो पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, और उन्हीं पार्टिकल्स को हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी ऐसे पार्टिकल्स जो एक एटम को स्ट्रक्चर देते हैं, या एक एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे टाइटल के अंदर सब टाइटल होता है, ऐसे ही एटम के अंदर पार्टिकल्स हैं और उनको हम बोल रहे हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और इसी के साथ साइंटिस्ट के पास एक चैलेंज आ गया कि उन्हें इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना था, कि इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, इनके ऊपर क्या चार्ज प्रेजेंट होता है, इनका क्या मास होता है, और साथ ही साथ ये किस तरह से एक एटम के अंदर अरेंज होती हैं। तो अलग अलग तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए, और उनको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट भी जो थे वो अलग अलग थे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पिक करेंगे वो यही है कि डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास हैं उनकी हम डिस्कवरी की बात करेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और इसमें सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए और किसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। नेचर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज एस्टैब्लिश बाय एक्सपेरिमेंट्स ऑन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। इसके लिए कुछ साइंटिस्ट थे जिनमें जो मेन नाम आता है और जिनको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट भी जाता है वो है जे जे थॉम्सन। और इन्हीं के साथ इनकी टीम थी जिसमें एक दूसरे मेंबर थे डब्ल्यू क्रूक्स एंड अदर्स। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स किए, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक हार्ड ग्लास की ट्यूब ली, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब ली इन्होंने, और इस ट्यूब को बोला जाता है डिस्चार्ज ट्यूब। इसके अंदर उन्होंने क्या किया, गैसेस फिल करी, और लो प्रेशर पे, प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए वैक्यूम पंप भी लगाया, और इसके अंदर गैसेस को उन्होंने लो प्रेशर पे फिल किया। एज यू कैन सी इन पिक्चर के दोनों जो ट्यूब के एंड्स हैं, इधर और इधर, दोनों तरफ से ट्यूब को सील कर दिया, और उसके साथ दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। तो ये कुछ स्ट्रक्चर हमारा जो आ रहा है इसको हम बोल रहे हैं ये हमारी डिस्चार्ज ट्यूब का स्ट्रक्चर है, और इसको ये साइंटिस्ट जो क्रूक्स है ना, इनके नाम पे क्रूक्स ट्यूब भी बोला जाता है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट हुए, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया गया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो थी वो गैसेस ली गई थी,
और गैसेस को लो प्रेशर पे रखा गया था और मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगे हुए कैथोड और एनोड, राइट। तो जो कैथोड होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स होते हैं, मेटल की रॉड्स जो होती हैं उन्हें इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, और कैटायन जो है वो जिस कैटायन जो है हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, कैटायन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो वो नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं, तो जिस इलेक्ट्रोड की तरफ वो मूव करते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए और कैटायन मूव करते हैं इसलिए हम उन्हें कैथोड बोल देते हैं। इसी तरह जो एनायंस होंगे वो एनायंस नेगेटिवली चार्ज होते हैं और हमेशा वो किधर मूव करेंगे, अपोजिट चार्ज की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। तो एनायन जिस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं उन्हें हम बोल देते हैं एनोड, और एनोड क्या होता है, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसके साथ कनेक्टेड होगा, इसलिए एनोड जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इस ट्यूब के अंदर से पूरी एयर भी निकाल दी गई थी, एकदम इनर्ट एटमॉस्फेयर किया गया, और उसके बाद क्या हुआ, बैटरी से कनेक्टेड थी ये, एक हाई वोल्टेज की करंट को जब पास किया गया, राइट, बहुत ही हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट और उससे ज्यादा का जब करंट इसके अंदर पास किया गया तो ये हुआ कि कुछ रेज जो है वो निकल रही हैं, कहाँ से निकल रही हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से यानी कैथोड से निकल रही हैं, और किधर जा रही हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही हैं। एंड सिंस दीज रेज वर एमिटिंग फ्रॉम कैथोड देयर फोर दे वर टर्म्ड एज कैथोड रेज। तो ये जो कैथोड रेज थी जो कैथोड से निकल रही थी, और कैथोड है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, तो कैथोड रेज के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। इट इज निकल के आई कि कैथोड रेज आर कंप्राइजेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और इन्हीं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की जब हम डिस्कवरी की बात करते हैं तो डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है जे जे थॉम्सन को। डिस्कवरर जो हैं, डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हैं जे जे थॉम्सन, जे जे थॉम्सन। लेकिन ये जो टर्म इलेक्ट्रॉन है, द टर्म इलेक्ट्रॉन वॉज गिवन बाय, वॉज गिवन बाय किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो उनका नाम है STONEY, स्टोने ने टर्म दिया था इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, एज यू कैन सी मैंने जहां जहां पे भी इलेक्ट्रॉन बोला मैंने किस तरह से लिखा, ई और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो उसके ऊपर एक नेगेटिव साइन दिखाया है, यह है इलेक्ट्रॉन का सिंबल, सिंबल, राइट। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या डिटेल हमारे पास आई कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो जे जे थॉम्सन ने करी थी। किस तरह से करी थी, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ करी थी, उस डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने क्या किया था, जब गैसेस फिल करी, लो प्रेशर क्रिएट किया और इलेक्ट्रिसिटी पास करी उन्होंने, तो कुछ रेस कैथोड से निकल के एनोड की तरफ गई और ये निकल के आया कि जो हम हाई वोल्टेज करंट प्रोड्यूस करते हैं उससे क्या होता है, कुछ सब्सटेंसेस जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन थे वो पुल आउट हुए फ्रॉम द मटीरियल और वो मूव करके गए फ्रॉम कैथोड टू एनोड, राइट। तो हमारे पास कितनी इन्फॉर्मेशन आ गई कि डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन जे जे थॉम्सन और टर्म इलेक्ट्रॉन वॉज गिवन बाय स्टोनी। जब हम सिंबल की बात करते हैं तो सिंबल इलेक्ट्रॉन का होता है ई और -1 चार्ज इसके ऊपर आ जाता है और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे। और बाद में इलेक्ट्रॉन का मास भी निकाला गया कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। जब हम मास की बात करते हैं तो मास, रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करेंगे तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो आता है 0.000549U। आप देख सकते हो कि मास बहुत कम है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा जो हमें आगे भी डिटेल कर में पढ़ना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इस वैल्यू को अगर हम ग्राम में लिखें तो ये मास जो आ जाएगा वो होगा 9.1 × 10⁻²⁸ ग्राम। तो आप देख सकते हो -28 है, यानी में कितने जीरो लगाएंगे तब हमारा ये 9 और 1 आएगा। तो मास जो है इलेक्ट्रॉन का ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, राइट। बेसिकली किसी भी एटम का जो मास आता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं आता है। तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मास है इसका। और इसी के साथ अगर हम इसके चार्ज की बात करें कि इसका चार्ज कूलम में क्या होता है, तो चार्ज जो है, चार्ज वो इलेक्ट्रॉन का आएगा नेगेटिव में होगा। एक तो ये चार्ज जो होगा वो नेगेटिव में होगा और जो वैल्यू है वो है 1.60
इंटू 10⁻¹⁹ कूलम। राइट, तो ये इलेक्ट्रॉन की पूरी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। सो इन टुडेज क्लास वी हैव लर्न अबाउट फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन। एंड जस्ट डू रिमेंबर दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉमन यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।